स्वागत है इंजियन चैनल में। तो कैसे हो? 2020 में शायद किसी ने सोचा नहीं होगा कि नेटेंडो के गेम्स अपने एंड्रॉयड में हम लोग खेल भी पाएंगे। 2021 और 2022 में एक स्काईलाइन नाम का एमुलेटर आता है और उम्मीद दिलाता है कि हाँ यार, तुम लोग नेटेंडो के गेम खेल सकते हो, बट कंडीशन ये है कि आपके पास एक अच्छा डिवाइस होना चाहिए। एंड हाँ यार, इस चैनल पे हम लोग ने स्काईलाइन से रिलेटेड बहुत सारे टेस्ट किए हैं, कुछ चले हैं कुछ नहीं चले हैं, बट 2023 में पहले के मुकाबले स्काईलाइन कितना बेटर हुआ है इसको जानेंगे। एंड आज अपन एक नहीं, दो नहीं, तीन फ़ोन का यूज़ करने वाले हैं आपके फेवरेट गेम चलाने के लिए। तो अभी तक अगर मज़ा आ रहा है वीडियो में तो सब्सक्राइब कर लो चैनल को और फॉलो कर लो इंस्टाग्राम पे, और लिंक भी तो मैंने कमेंट में दे रखी है, तो जाके देख लेना। वेल, एक फ़ोन तो मेरा है एंड दो फ़ोन मैंने जुगाड़ करके लाए हैं। क्या मतलब बहुत गालियाँ पड़ी हैं। तो फर्स्ट फ़ोन है हमारा वीवो 9051। रैम की बात करें तो 4GB का रैम है, और स्टोरेज की बात करें तो 64GB स्टोरेज है, और प्रोसेसर की बात करें तो स्नैपड्रैगन 712। फर्स्ट हम लोग ने ट्राई किया पोकेमॉन लेट्स गो पिकाचू। तो फर्स्टली हम लोग ने जैसे इसको ओपन किया तो मैं भूल गया था कि सेटिंग भी करनी होती है जाकर, तो वहाँ से मैंने सेटिंग वेटिंग की। फिर उसके बाद मैंने ट्राई किया ईवी, हाँ पोकेमॉन लेट्स गो ईवी। तो ट्राई करने के बाद स्टार्टिंग में गेम ठीक ठाक चला, और यहाँ पर मुझे ग्लिच थोड़ा सा देखने मिला ईवी के ऊपर, हाँ। और फिर उसके बाद तो गेम स्टार्टिंग से लेकर स्मूथ तक चला, प्लेयर सेलेक्ट करने तक स्मूथ तक चला, फिर उसके बाद क्रैश हो गया। उसके बाद हम लोगों ने लेजेंड आर्कियस स्कारलेट एंड वायलेट चलाने की नाकाम कोशिश की, और यहाँ मैं कंट्रोल के साथ खेलता रहा, थोड़ा सा टाइम पास किया कि गेम चल जाए उम्मीद से, लेकिन नहीं चला। तो अब बात है दूसरे फ़ोन की बारे, जिसका नाम है Realme C21। रैम की बात करें 3GB रैम है, रोम 64GB है, और प्रोसेसर इसका Helio G35 है। और मैं बता दूं, अभी तक का मैंने लो एंड डिवाइस, सबसे लो एंड डिवाइस इसी को यूज़ किया है अभी तक का। हम लोग ने लेट्स गो पिकाचू और स्वॉर्ड एंड शील्ड चलाने की कोशिश की। यहाँ पे सिर्फ दो ही गेम मैंने दिया, और लेट्स गो पिकाचू हम लोग ने डेमो वर्जन रखा। तो दोनों को चलाने की कोशिश की, पहले तो लेट्स गो पिकाचू चलाने की कोशिश की, और यहाँ पर ये क्रैश हो गया। मेनली गेम खुला तक नहीं यार, सीधा का सीधा क्रैश हो गया। और स्वॉर्ड एंड शील्ड उसका भी यही हाल हुआ, तो दोनों गेम नहीं चले। और हाँ, ये लो एंड डिवाइस है, सबसे गया घुसरा डिवाइस है। तो अगला फ़ोन हमारा है Realme Narzo 10, जो कि मेरा फ़ोन है, और इसकी रैम है 4GB, और इसकी स्टोरेज है 128GB, और प्रोसेसर की बात करें Helio G80 है। हाँ, ज़्यादा लेटेस्ट वाला नहीं है, बट है दम, प्रोसेसर में दम है। और फिर हम लोग ने यहाँ पे ट्राई किया पोकेमॉन लेट्स गो पिकाचू का डेमो वर्जन। तो यहाँ पे बेसिकली कोई स्टोरी लाइन नहीं चलती, सीधा के सीधा इंट्रोमेंटो कुछ नहीं चलता, यहाँ पे आपको सीधा प्लेयर देखने मिल जाते हैं। बट स्टार्टिंग से अच्छा खासा स्मूथ चला ये गेम, और फिर मेनली ये गेम चला, और यहाँ पे जो प्लेयर है अच्छा खासा, हम लोग ने प्लेयर को चला के देखा तो प्लेयर बहुत ही स्मूथ नहीं चल रहा था, बट ठीक है चल रहा था। एंड यहाँ पे गेम प्ले, हाँ आपको लगा था कि ठीक है, बट यहाँ पर मुझे फाइटिंग सीन, जब मैंने फाइट की ठीक है, तो मुझे अच्छा खासा, मुझे नहीं लग रहा था लैग होगा, बट यहाँ पे भी बीच बीच में लैगिंग आ रही थी। रैंडमली देखा जाए तो स्टार्टिंग का जो गेम प्ले, मतलब पूरा जो हम लोग चलते फिरते हैं, वो लैग काफ़ी कर रहा था, लेकिन जब फाइटिंग की बारी आती है तो कम लैग कर रहा था। तो आने वाले टाइम में हो सकता है कि और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हम लोगों को देखने मिले। फिर अपन लोग ने ट्राई किया स्वॉर्ड एंड शील्ड, तो ये गेम भी बहुतों का फेवरेट है, और यहाँ पे
स्टार्टिंग में गेम काफ़ी स्मूथ चलते हुए दिख रहा था, अपन ने नाम वाम भी लिख लिया था, कैरेक्टर सेलेक्ट करने में भी कोई दिक्कत नहीं आ रही थी। बट यहाँ पे हम लोगों ने स्टोरी लाइन काफ़ी हद तक कंप्लीट कर ली थी, स्वॉर्ड एंड शील्ड तक मतलब एंड हो गई थी स्टोरी लाइन, देन उसके बाद ही ये क्रैश हो गया था। इंट्रो सब बहुत स्मूथ चला था लेकिन ये क्रैश हो गया था। फिर हम लोग ने यहाँ पे ट्राई किया है सुपर स्मैश ब्रॉस, पोकेमॉन ब्रिलियंट डायमंड एंड शाइनिंग पर्ल, स्कारलेट एंड वायलेट, ये तीनों गेम हम लोग ने बारी बारी से करे और तीनों यार क्रैश हो गए। मैंने सेटिंग वेटिंग भी कर रखी थी, सुपर स्मैश ब्रॉस भी नहीं चला। कभी कभी लगता है अच्छा डिवाइस ले लेना चाहिए। तो मेनली पहुंचते हैं कंक्लूजन पर। तो यहाँ पर मैंने जितने फ़ोन यूज़ किए हैं सब के सब वर्स्ट केस मैं मान के चला हूँ। और वर्स्ट केस मतलब यहाँ पे जितने मैंने फ़ोन लिए हैं वो बहुत ही हाई एंड डिवाइस वाले नहीं थे, बेसिकली जिनके पास कम से कम वाला सीन रहता है वही था। मेरे पास लो एंड से लो एंड डिवाइस था, ठीक है, मीडियम के आसपास सारे डिवाइस थे जहाँ तक, और एक तो बहुत लो एंड था जिसमें तो गेम चला नहीं। और अगर आपके पास मेरे वाला जैसा फ़ोन है तो मे भी आप इस गेम को खेल सकते हो, लेकिन अगर आपके पास अच्छा डिवाइस है, बहुत बेहतरीन डिवाइस है, तो आपको ये गेम खेलने मिल जाएंगे सारे के सारे, और मैं बता भी चुका हूँ इसके बारे में। एंड हाँ यार, एमुलेटर की लिंक और स्विच ड्रॉइड की लिंक दोनों की लिंक मैंने कमेंट में दे रखी है, तो आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर लेना। और कभी कभार लिंक हटा देता है यूट्यूब, तो फिर देख लिया करो, मिल जाएगी, बहुत सारी और भी वीडियो है तो वहाँ से मिल जाएगी। और हाँ, सेकंड चैनल है ईगल कैट नाम से, उसको भी जाके सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि उस पर भी वीडियोस आएंगी, इस पर भी आएंगी, उस पर भी आएंगी। और हाँ, अब वीडियोस अच्छी अच्छी आने वाली है, थोड़ा सा शायद बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा वीडियो लाने में, बट अब मैं सोच रहा हूँ थोड़ी सी वीडियो को अच्छे और थोड़ा सा यूनिक करने की कोशिश करूँ, नहीं तो यार वही रिपीट हो जाता तो अच्छा नहीं लगता है। एंड हाँ यार, अगर आपको देखना है कि स्काईलाइन में कौन कौन से गेम वर्क करते हैं अच्छे से अच्छे डिवाइस में, तो लेफ्ट वाली वीडियो पे क्लिक कर लो, नहीं तो राइट वाली वीडियो पे पोकेमॉन एक्स एंड वाई की वीडियो पड़ी हुई है उसको देख लो।